शामिल करते हैं। बोलान से नुमाइंदा रमजान भुट्टो की रिपोर्ट के मुताबिक बाग शहर में पीने के पानी का बहरान शिद्दत अख्तियार कर गया। लोग पानी पानी कर रहे हैं मगर महकमा पब्लिक हेल्थ 20 साल से बहाने बनाने में लगी है। हुकूमत बलोचिस्तान तरक्की के दावे कर रही है मगर बाग की आवाम पानी पानी कर रही है। बेहिसी की हद होती है। 20 साल से बाग नाड़ी की आवाम को पानी नहीं मिल सका, इससे और क्या अलमिया होगा कि लोग अपने बुनियादी हक से महरूम है और हुकूमत अपने दावे करते नहीं थकती। मजीद जुल्म की दास्तान अवामी नुमाइंदे की जुबानी सुनते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इस वक्त मैं भाग शहर के तालाब पर मौजूद हूँ जो कि मुकम्मल तौर पर तालाब खुश्क हो चुका है। भाग शहर की जो है तकरीबन 30,000 की इंसानी आबादी है जो इस तालाब का पानी पीती थी, लेकिन अब ये तालाब खुश्क हो चुका है। मैं हैरान हूँ कि अब भाग शहर की आवाम के लिए पीने के पानी का और कोई ज़रिया नहीं है और जो है हमारी तीनों वाटर सप्लाई स्कीम भी जो है नाकाम पड़ी हुई हैं। इस वक्त पूरा तहसील भाग जो है करबला का मंजर पेश कर रहा है। लोग जो है भाग शहर से नकल मकानी करके दूसरे शहरों का रुख कर रहे हैं, लेकिन हमारी हुकूमत और हुकूमती इदारे इस वक्त जो है खामोश तमाशा ही बने बैठे हैं। मैं हुकाम बाला से अपील करता हूँ कि भाग शहर में जो है पानी की सप्लाई के हवाले से जो है हंगामी बुनियादों पर इकदाम किए जाए और जो है भाग शहर की जो है वाटर सप्लाई स्कीम, जो तीन वाटर सप्लाई स्कीम्स हैं, तीनों नाकाम हो चुकी हैं। मैं जो है सूबाई हुकूमत से, खुसूसन कोर कमांडर बलूचिस्तान से, IGFC से मुतालबा करता हूँ कि भाग शहर की तीनों वाटर सप्लाई स्कीम को जो है फिल्फ और जो है IFC बलूचिस्तान के हवाले किया जाए मुफाद आमा के तहत, ताकि भाग की आवाम को पानी मुयसर हो सके। मेहरबानी, शुक्रिया।